नमः शिवाय। सावन मास कृष्ण पक्ष सोमवार आज भी द्वितीया तिथि प्रातः 6:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रातः 6:45 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, हिम्मती, मजबूत हृदय वाले, ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी बने रहते हैं। अस्पष्ट बोलने वाले, स्वतंत्र और मौलिक निर्णय लेने वाले, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, पुरानी वस्तुओं तथा कलाकृतियों के प्रेमी, आत्मविश्वासी और अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आज का दिन अत्यंत पवित्र और मंगलमय है। सावन मास का यह पहला सोमवार है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कम से कम बेलपत्र, दूध इत्यादि अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी मन में असंतुष्टि की भावना, भ्रमात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव, माता के स्वास्थ्य की चिंता और मतभेद संभावित है। हालांकि पारिवारिक प्रेरणा और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और आय संबंधी मामलों में प्रयास जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और राजनीतिक सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा, मगर व्यावसायिक योजनाओं में उतार चढ़ाव भी संभावित है। साझेदारी सफल रहेगी, मगर नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। बुध, राहु और सूर्य की युति आँखों और दांत मसूड़ों के साथ ही साथ त्वचा संबंधी संवेदनशीलता का संकेत भी देता है। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता और पारिवारिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी में लाभ संभव है, मगर कुछ कामों में रुकावट व देरी की संभावना भी बनती है और आर्थिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता, आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव और पारिवारिक माहौल से मानसिक दबाव की संभावना बनती है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सफलता का दौर जारी रहेगा और शासन सत्ता व अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। निजी निवेश में अतिरिक्त खर्च और यात्रा प्रधान मानसिकता बनी रहेगी। विरोधियों की साजिश से मानसिक दबाव और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। विभागीय अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा कायम रहेगी। आपका ऊर्जा स्तर और दृढ़ इच्छा शक्ति नई कार्य योजनाओं के लिए मदद करेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। साझेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति और कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज और साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत भी मिलता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और सफलता संभावित है।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में कूटनीतिक पहलुओं पर दिमाग केंद्रित होगा। संबंधित मामलों में विवाद को टालने की कोशिश करें। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्यशैली में सुधार और रचनात्मक सक्रियता हर काम में सफलता दिलाएंगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अतिरिक्त आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। प्रयासों में बल मिलेगा। अधूरे पड़े काम पूरे होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ संभव है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएंगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंधों में गलतफहमी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है, मगर संबंधित कामों में महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार के साथ साथ खर्च की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन की नकारात्मकता और उत्साहहीनता को दूर रखें। आपके हर काम संपन्न होंगे। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रयास जारी रखें। यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।